भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहां जाते हैं वहां की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। उत्सव थालीज ऑफ इंडिया का ये सफर हमें ले आया है हैदराबाद में। टुडे अ बसलिंग कॉस्मोपॉलिटन सिटी, Hyderabad has a very rich and interesting history. An ancient junction between Andhra, Deccan, and the Marathas, this city has seen the rise and fall of various kingdoms. Jiska asar aapko milega yahan ke cuisine par. Hyderabad ke har andaaz mein ek grandness dikhti hai. Chahe wo yahan ka shahi architecture ho, ya uske around phele ancient bazaar. Hyderabadi cuisine has given a lot to the world. Aur wo delicious food yahan ki streets par 24/7 available rehta hai. This place is literally a foodie's heaven. Shagun Segan, jo ki ek passionate street food blogger hain, aaj hame yahan ke kuch ultra special food joints se introduce karane wale hain. Welcome to Hyderabad. Thank you. And the beautiful Charminar. What a gorgeous weather. Absolutely. It's going to rain, I think. Yes. और बारिश में हैदराबाद की चाय लेते हैं हम। And what about these biscuits? हैदराबाद में जैसे ईरानी जब आए थे तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रह गया है। This is a khajur. Basically it's a crumble. Yes, baked crumble. और ये यहाँ का बहुत फेमस फाइन बिस्किट। फाइन बिस्किट, इसको प्रेस किया और टूट जाएगा पूरा। That's why it's called very fine and delicate. अनदर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ है वो है उस्मानिया बिस्किट। कोई चाय उस्मानिया के बिना नहीं होती। I love the beautiful cracks on the cookie. और कहते हैं जब कुकी ऊपर से क्रैक होती है, it's a good sign. Good sign. Of a good way to bake. हैदराबादी तरीका है, इसे हल्का सा तोड़ा, चाय में डुबोया और खाया। Oh, very light. ये हमारा रोट, दैट्स दम की रोट। इट स्मेल्स ऑफ घी, सौंफ एंड कार्डमम एक्चुअली। और सिर्फ यहीं ये मिलेगा एकदम फ्रेश। अभी वार्म भी है। वार्म, अभी ये फ्रेश निकल के आया है बस। लोडेड विद घी। सो ये उस्मानिया बिस्किट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इतने पॉपुलर क्यों है यहाँ पर? जब मीर उस्मान अली जो हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे, वो गए उस्मानी हॉस्पिटल। उस्मानी हॉस्पिटल में उन्होंने जब खाना खाया और देखा, उनको लगा कि ये ब्लैंड है, हैदराबाद की पहचान नहीं आ रही है इसमें। तो अस्पताल में भी, हस्पताल में भी, तब उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो हैदराबादी पैलेट में खट्टा मीठा, ऐसे खारा खट्टा मीठा आए। तो ये बिस्किट उन्होंने बनवाया कैंटीन में। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि हल्का सा नमक का फील आता है, मीठा भी है, नमक भी है, बटर भी है, फ्लेकी है, सब है। इतनी बात पक्की, रोट और उस्मानिया बिस्किट, they are very very tasty. Yeah. What do you recommend for breakfast today? Breakfast में एक तो है मुंशी नान। ये पाए में तोड़ के सवेरे सवेरे एकदम हेवी वाला ब्रेकफास्ट खाते हैं हैदराबादी। तो ये हैदराबाद के ब्रेकफास्ट का बहुत एसेंशियल पार्ट है। देसी घी इस पे ग्लेज आता है और फ्रेश ये लेके लोग घर पे जाके आराम से खाते हैं। यू कैन एक्चुअली ईट इट ऑन द गो। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर एक हलवा भी बहुत फेमस है हैदराबाद में, जाउजी हलवा। जाउजी हलवा विच इज मेड आउट ऑफ जर्म्ड व्हीट। यस, तो हमीदी उस जगह का नाम है जो पिछले 110 साल से अभी भी वो हलवा बना रहे हैं। सो ये जो जाउजी हलवा है, इसके
पीछे की कहानी क्या है? ये जो थे मिस्टर जो आए थे वो टर्की से आए थे, 15 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि मैं अपना टर्की का जो फ्लेवर है जाउजी का वो हैदराबादियों को दूंगा। उस टाइम निज़ाम इतने खुश हुए उनका टेस्ट करके कि ये एक ऐसी चीज़ है जो निज़ाम ने अपना सील लगा के सर्टिफाई किया है कि आप खोलिए हैदराबादियों को ये दिखाइए कि क्या जाउजी है। एंड आई मस्ट से द हलवा इज यम्मी, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं एंड आई कैन टेस्ट नटमेग इन देयर। तो जाउजी जो है वो उनका वो फ्लेवर इंटैक्ट है विच इज़ अ सीक्रेट। तो उनका दावा है कि आपको मैं सारे बता दूंगा इंग्रेडिएंट क्या हैं तब भी आप ऐसा नहीं बना पाएंगे, ये उनका दावा है खुला। और शेफ इसके बाद एक यहाँ पे और फेमस है जो अभी भी 60 साल से हाथ से चर्न करके आइसक्रीम बनती है फ्रेश एवरी मॉर्निंग। ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम, नाम भी फेमस है इनका। It's time to taste the first thali of Hyderabad, the fully loaded Andhra veg thali. जो आंध्रा थाली है, come to think of it, उसके अंदर influences हैं coast के, रायलसीमा के जो अपने chili growing region की वजह से बहुत मशहूर है और वहाँ का खाना भी बहुत spicy है. And third is Telangana, जो अब separate state है, लेकिन उसका खाने का भी influence है. And obviously there is Nizami food, which is very very popular. So that is what makes complete Andhra food, but again Nizami food is something different, हटके. तो ये हमारी पूरी एक loaded थाली है. I can see that. Yes. तो हैदराबाद में, तेलंगाना में, आंध्रा में ये बोलते हैं कि जितनी colorful थाली हो, उतने न्यूट्रिएंट्स कवर्ड हैं। लुकिंग एट दी स्पाइस मिक्सेस यानी कि पूरी और यहाँ के जो आंध्रा के अचार हैं और यहाँ के जो स्नैक्स हैं, जो लोग हैं यहाँ पे उनको चटपटा खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल। इफ आई टेक जियोग्राफिकली दी एंटायर साउथ ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा चटकोरा खाना कम्स फ्रॉम आंध्रा। आई मीन मेन कोर्स स्टार्टर्स एक तरफ, जो अकम्पनीमेंट्स हैं दे आर रॉक सॉलिड ऑन देयर। एब्सोल्युटली। ये एक नॉर्मल फ्राइड प्लेट है। इसमें एवरीथिंग इज फ्राइड, सो दिस इज लाइक अ स्नैक प्लेट। इट इज स्नैक प्लेट। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सकिनेलू। दिस इज बेसिकली चकली, नॉट विद द कलर, लिटिल बेसन, राइस फ्लावर, सेसमी सीड्स। आई लव दैट टोस्टी फ्लेवर सेसमी एंड वेरी क्रंची। दिस इज चेगोंडी। सो द नेम कम्स एक्चुअली फ्रॉम द ईयर लोब। ईयर लोब कान के जैसा दिखता है, तो कान तेलुगु इज चेव एंड दिस इज फॉर योर स्वीट। दिस इज अगेन अ डीप फ्राइड घी में अरिसेलू। अरिसेलू इज मेड आउट ऑफ राइस फ्लावर, राइस फ्लावर एंड जागरी। So, जैसे यू हैव मालपुआज इन राजस्थान, दिस इज समवॉट सिमिलर बट फ्रॉम द साउथ। एंड दिस इज पुत्रेकुलु। पुत्रेकुलु, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेजर्ट्स और अ स्वीट डिश एनीवेयर अक्रॉस। तो यहाँ पे आंध्रा में अगर जाएंगे आप उस साइड, देयर इज अ विलेज विच स्पेशलाइजेस ओनली इन दिस, बिकॉज द हैंड्स दैट यू नीड टू फोल्ड इट एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट एवरीवन्स। इट्स फेनोमिनल। लुक एट दैट, इतना पतला राइस पैनकेक and crispy and melts in your mouth. Is there a dish that you begin your thali with, or ye andhra thali you can with a sweet? With a sweet. So if you look at this, this is actually a sweet. What is this? So this is actually a purnalu. 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 So purnalu has a jaggery inside and chana dal. Yes, chana dal, and it's coated with a batter which is fermented and soaked overnight and then fried. Wow. तो मीठा हो गया। अब उसके बाद ये पुलुसु। पुलुसु, यस। वाओ, दिस इज सो गुड। सो ये एक्चुअली इज मोर लाइक अ समर ड्रिंक। जब यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 47 चले जाता है, इसको पियो ठंडा पूरा। पुलुसु इज नॉट रियली अ रसम, बट एक ड्रिंक है जो पकाया नहीं जाता, पकाया नहीं जाता। ये क्या है? आलू? दिस इज मैंगो दाल, मैंगो पप्पू। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं होटल ज्वाइन किया, आई रिमेंबर आई ट्रेन अंडर हैदराबादी शेफ, उन्होंने मुझे बोला बेटा आज हम बनाएंगे पप्पू। मतलब किसका? तो नहीं, पप्पू दाल होता है, पप्पू। टोमेटो? मतलब टोमेटो का पप्पू बनाओगे? मतलब सो इट वाज अ बिट फनी अंटिल आई रियलाइज दैट पप्पू इज पप्पू व्हिच मींस दाल। दाल। इवन ऑन दिस प्लेट वी हैव टू चटनीज, वन इज योर गंगूरा चटनी एंड देन यू हैव द बीराकाया। व्हाट इज बीराकाया? बीराकाया इज तुरई। वेरी टेस्टी। आई मीन I like turai, but इतनी भी अच्छी नहीं लगती मुझे, but this is very interesting. ये मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। Almost हर एक डिश खट्टी है।
इस भिंडी के अंदर है टैमरिंड की खट्टास, इसके अंदर है दही की खट्टास, इसके अंदर है घुंघरा की खट्टास, इसके अंदर है मैंगो की खट्टास। सो ये पेसर टू बनता है ग्रीन मूंग दाल का। यस, मूंग दाल। इसमें चावल भी डालते हैं हल्का सा। आई टेल यू दिस पेसर टू इज वन सुपर फूड, 100% लेंटिल, नॉट रियली फर्मेंटेड, इजी टू मेक, यमी, बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। या बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट एंड पेयर्ड विद दिस ब्यूटीफुल चटनी। एंड नाउ वी हैव द सर्वपिंडी। व्हाट इज सर्वपिंडी? द लिटरल ट्रांसलेशन इज एक्चुअली पैनकेक। इट्स यम। सो दिस हैज योर चावल का आटा एंड स्पाइसेस, हल्का सा चना दाल, एंड दैट्स हाउ इट्स मेड। यू फॉरगॉट द मेन इंग्रेडिएंट। क्या? हरी मिर्च। आई हैव नेवर हैड दिस बिफोर। अगर गिवन अ चॉइस बिटवीन अ डोसा एंड अ सर्वपिंडी, आई थिंक आई विल गो फॉर सर्वपिंडी। शगुन, आई हैड सच अ ग्रेट मील। इसमें से कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू एंड स्पेशली द सर्वपिंडी, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कुक दैट फॉर यू एंड शो यू हाउ वी मेक इट इन तेलंगाना।